ये बात है दिसंबर 2019 की, जब मेरी मदर का स्वर्गवास हुआ था। उसके बाद डुबू, जो कि उस समय 3 ईयर्स की थी, उसने हमारे यहाँ खाना खाने आना चालू किया। वो डेली हमारे यहाँ खाना खाने आती और दिन भर घर की दहलीज पर ही बैठी रहती। रात को हम उसे बेमन से घर के बाहर भेज देते, जो कि ना उसे अच्छा लगता था ना हमें। सुबह गेट खुलने पर वह रोजाना घर से बाहर ही मिलती। मिड अप्रैल 2020 तक यही सिलसिला चलता रहा। कोरोना लॉकडाउन के चलते डुगू ने हमारे घर में ही रहना शुरू कर दिया। डुगू के आने के बाद हमारा परिवार दिसंबर 2019 में मेरे मदर के स्वर्गवास के बाद 4 मेंबर्स का रह गया था, वह फिर से 5 मेंबर्स का हो गया। उसके आने से हमारे घर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। कभी वो हमारे पीछे दौड़ती तो कभी हम उसके पीछे दौड़ते। पूरे दिन घर में एक खेल कूद, बड़ी मस्ती और खुशनुमा माहौल छाया रहता है। हमारे यहाँ किसी भी गेस्ट के आने पर डुगू बहुत ही अपनेपन से उनका वेलकम करती है। अब डुगू को 2 साल हुए हमारे घर में आए हुए, कोई डुगू और हमारे आपसी जुड़ाव की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुबह सुबह विपुर को आवाज देवो उठाती है, साथ चलो तुम मेरे भैया कहकर तुम्हें घुमाती है। लंबी जीत से चाट कर अपनी वो अपना प्यार जताती है। शैतानी की जब हद करती है टेबल के नीचे छुप जाती है।
एहसास करे जब गलती की तो चंचल आंखें मटकाती हैं, डर से आपको वो सॉरी कहने अपनी पूंछ हिलाती हैं। हनी के साथ खेल खेल में शाम बिताती, दौड़ दौड़ कर थक जाती है, पसंद का खाना उसे जो तुम दे दो थाली चढ़कर जाती है। नटखट की तो पुतला है वो, दादी के पलंग पर सो जाती है, सोती हुई तो हमें पता है जो हरकत से जग जाती है। जिंदगी उसकी अपनी सीना लगती, उम्र भर रखवाली कर जाती है, उसे भले तुम जितना डांटो वो निस्वार्थ प्यार दे जाती है। सुशील अंकल, रमीला आंटी, विपुल भैया, डॉली दीदी ही उनके सच्चे साथी, हर पल साथ निभाती है। हैप्पी बर्थडे। संतुष्टि तो मिलेगी, साथ ही बेजुबान जानवर की दुआएं भी मिलेगी।